खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद खुशी का माहौल है। भाजपा जिला कार्यालय पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान सांसद पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी का आदिवासी बाहुल्य जिला मुख्यालय खरगोन पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए आभार माना। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांसद गजेंद्र पटेल की मांग पर 14 दिसंबर को खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद खरगोन में खुशी का माहौल है। शहर के प्रबुद्ध जनों और मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के लोगों ने भी कैबिनेट की स्वीकृति पर खुशी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। इस अवसर पर जगदीश काका जी की भी बाइट लेना है ना? लो अजय भाई। भारत माता की, भारत माता की। लो लो सामने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे इसे बना दे भैया, बना आपको खिला, आपको खिला। कॉलेज के एक प्रमुख मांग थी आपने, जिस प्रकार से सीएम का दौरा था, सीएम साहब ने घोषणा करी थी 14 दिसंबर को, आज कैबिनेट ने मंजूर किया है, आतिशबाजी बीजेपी कार्यालय हुई, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं खरगोन जिले की जनता की ओर से मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से खरगोन जिले की जनता की मांग थी, लंबे समय से यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, कई क्षेत्रों में ये प्रगतिशील भी है, परंतु मेडिकल की मांग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा, अनेक प्रकार के संस्थाओं के द्वारा की जा रही थी और ये आवश्यकता कोरोना काल के बाद से लंबे समय से महसूस भी की जा रही थी। और सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद दूंगा कि 2019 के समय ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खरगोन के जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की एक पत्र जारी किया था और उसको लेकर मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी से सतत हम संपर्क में थे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, आदरणीय पूर्व विधायक बाबूलाल जी, आदरणीय रंजीत जी, आदरणीय परसराम जी, आदरणीय बाबूलाल महाजन जी, पार्टी के और वरिष्ठगण भी इस मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से कर रहे थे और खुशी इस बात की थी और विश्वास इस बात का था कि जितने भी संगठन इसकी डिमांड कर रहे थे उनको विश्वास था कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर पहले भी कई सरकारें बनी हैं और तथाकथित सरकारें बनी भी थी, परंतु उनको अब ये विश्वास था कि देश की आदरणीय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे सकती है और इसलिए 2019 का कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज के केंद्र की स्वीकृति मिली और मध्य प्रदेश में जो जिला मुख्यालय पर स्वीकृति देना थी, क्योंकि 40-60% का रेशो रहता है, उस रेशो की स्वीकृति मध्य प्रदेश की सरकार को देना था। विगत दिनों दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के जननायक खरगोन में आए थे और खरगोन में हमने उसी मंच से हमारी पार्टी के सब प्रमुख लोगों ने डिमांड भी की थी और उन्हें तत्काल इस खरगोन जिले के जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी और जो आज कैबिनेट में उसकी स्वीकृति हुई है, मैं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से, हमारे भाइयों बहनों की ओर से मेडिकल कॉलेज की इस कैबिनेट में स्वीकृति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, समस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।